यू आर वॉचिंग कुक स्मार्ट विद संजीव कपूर। और भाई त्यौहार की बात आती है तो त्यौहार में मीठा खाने का सिर्फ दिल ही नहीं करता, बहाना भी होता है। तो मीठा खाने के लिए ये सूजी और कोकोनट की जो बर्फी है ये बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। और इसके लिए एक चाशनी पहले बनानी है। तो ये जो चाशनी है, पहले और बाद में क्या मतलब, चाशनी बना के रखनी है इसके लिए। तो ये मैंने ले लिया चीनी और चीनी के साथ में पानी, ये चाशनी की तैयारी। अब मुझे चाहिए, ये देखिए ये मेरे पास में है सूजी। तो ये जो सूजी है ये ले लेते हैं। और सूजी जो है ये देखिए, अच्छा सूजी में आप अगर मोटी वाली सूजी ले रहे हैं तो एक काम करिए कि उसके अंदर थोड़ी सी बारीक वाली सूजी भी मिक्स करें, आधा आधा कर सकते हैं इसमें आप। तो ये जो सूजी है इसके साथ साथ ये देखिए ये बेकिंग पाउडर ये मिक्स कर दिया। अब ये क्यों मिक्स किया भाई, देखिए ये इसलिए मिक्स किया है क्योंकि ये तैयार हो रही है बर्फ़ी। तो ये जो बर्फ़ी है इसके लिए हमने इसको ले लिया। इसके साथ साथ ये देखिए ये हमारे पास दही ये लिया और उसके बाद में इसको ज़रा मिक्स करना है। और दही डालते ही आप देखेंगे कि ये जो बेकिंग पाउडर है इसमें हल्की हल्की एक्टिविटी सी शुरू हो जाती है। और इसके साथ में हम डालेंगे घी। ये लीजिए ये आ गया घी सूजी के साथ में दही, दही के साथ बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर के साथ में घी। और इसे हमने बेक करना है, लेकिन बेक ऐसे नहीं करेंगे, इसमें तो पहले कोकोनट डलेगा। कोकोनट डालने के बाद ये देखिए नारियल, फ्रेश कोकोनट ये लीजिए, इसको कर दिया मिक्स। अब ये सूजी की बर्फी ज़रा बेक होगी, चाशनी जो है तैयार हो रही है। ये देखिए आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा रोज़ भी डाल सकते हैं। चलिए रोज़ वाटर थोड़ा सा इसके अंदर डाला, खुशबू अच्छी आनी शुरू हो गई। अब इसको हम रख देते हैं फ्रिज के अंदर। और यहाँ पर हमारे पास ये रही चाशनी। चाशनी में जरा एक काम करते हैं, नींबू का रस, नींबू का रस डाल दिया और इसे पकने देते हैं। ये चाशनी जो है थोड़ी गाढ़ी चाशनी बनेगी तो इसलिए इसे कुछ देर तक और पकने देना है। ये जो सूजी और कोकोनट की बर्फी है, वैसे ट्रेडिशनली तो मिडल ईस्टर्न एक डिश होती है उससे मिलती जुलती है, लेकिन वो अंडे से बनती है। काफ़ी फ़र्क है, उसके अंदर भी सिमिलैरिटीज़ भी हैं। अब देखिए अब इसमें भी चाशनी मिला के इसको मीठा किया जाता है, लेकिन बेक करके यहाँ पर बिना अंडे के। अब देखिए नारियल जो है, अब गणेश चतुर्थी वाले दिन, अब देखिए गणेश चतुर्थी की बात हो और नारियल की बात ना हो, मीठे की बात ना हो, वैसे तो मोदक अपने आप में कमाल की चीज़ है, लेकिन चीज़ें अलग अलग बननी चाहिए, मिठाइयाँ अलग अलग बननी चाहिए, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। ये लीजिए इसको ले लेते हैं हम। घी क्योंकि इसके अंदर है और सूजी जो है वो भी फूल गई है, मतलब सोख हो गया है, तो ये इसकी जो कंसिस्टेंसी है ये थोड़ी सी हार्ड हो गई है। कोई बात नहीं, अब क्या करना है, इसे हमने इसे बेक करेंगे। ट्रे थोड़ी बड़ी है, इसे एक ही साइड में रख के बेक करेंगे। हल्का सा ट्रे में घी लगाया है मैंने, थोड़ा सा पानी ले लेते हैं ताकि ये आराम से प्रेस हो जाए। और इसके बाद आप एक काम कर सकते हैं, इसमें थोड़ा सा इस तरह से ये देखिए ये निशान लगा दें ताकि ये पकने के बाद में आपको आसानी हो जाए इसके पीसेस काटने।
ये लीजिए। अच्छा, इसमें चाहें तो थोड़ा सा एक एक बादाम भी रख सकते हैं, काजू भी रख सकते हैं, तो नट्स के साथ में भी अच्छा लगता है। अभी आपने देखा है कि इसके अंदर चीनी नहीं है, मीठा नहीं है, तो बर्फ़ी कैसे होगी? भाई मिठास ये है, इसको बेक करने के लिए रखते हैं 180 डिग्री सेल्सियस पर, तब तक चाशनी भी तैयार हो जाएगी। एक सौ अस्सी डिग्री सेल्सियस पर करीब 45 मिनट तक पकाना है, ऊपर से हल्का लाल रंग आ जाना चाहिए, पूरी तरह से पक जाएगी। ये सूजी है, थोड़ी सी हार्ड होगी लेकिन फिर मॉइस्ट इसको किया जाएगा ये चाशनी डाल के। बस ये जो चाशनी है इसकी कंसिस्टेंसी, हाँ अभी जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी पतली है, और ये पकने के बाद में करीब 5-7 मिनट और पकेगी, फिर ये गाढ़ी हो जाएगी, और इसके बाद गैस इसकी बंद कर दें ताकि ये जो चाशनी है थोड़ी गाढ़ी होगी। लेकिन ये चाशनी बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं हमने करनी है, गर्म बर्फ़ी जो है चाशनी ऊपर से डलेगी, अच्छी तरह से सोक कर लेगी। नाइस एंड मॉइस्ट, और सूजी और कोकोनट की बर्फ़ी मिडल ईस्टर्न स्टाइल में। लेकिन भाई वहाँ तो अंडा वंडा पड़ता है, ये बिना अंडे के रेसिपी है, दही के साथ में बढ़िया सी रेसिपी है। हाँ, काजू बादाम पिस्ता जो कुछ भी डालना है वो अपनी मर्ज़ी से डालिए, नहीं तो ये थोड़ी सस्ती वाली रेसिपी है, महंगा करना आपके हाथ में।